मेरा बेटा रूट्स कंट्री स्कूल बागी में पढ़ता है, कोटकई से ऊपर। 45 दिन हो गए, 5 मार्च को बच्चे को छोड़ा था। 45 दिन से बच्चे से बात नहीं करवाई, ये कह के कि हमारे यहाँ रूल नहीं है 2 महीने से पहले बच्चे का पेरेंट्स से बात करने की। बच्चे के पास किसी और पेरेंट्स के बच्चे के पेरेंट्स आए, उसके मोबाइल से मेरे बेटे ने आर्मेनिया में फ़ोन किया अपनी सिस्टर को और उसे बताया कि प्रिंसिपल ने मुझे 30 स्लैप्स किए हैं जो मैंने काउंटिंग किया, उसके बाद उसने मारा तो मेरी काउंटिंग ही मैं भूल गया। मेरे इतने कान के पंदे में से धुँह निकल रही थी। रीज़न क्या था, एक बच्ची सीढ़ियों पर बैठी थी, रो रही थी, उसको ये चुप करा रहा था। प्रिंसिपल और डायरेक्टर, जिसकी ऑडियो रिकॉर्डिंग है मेरे पास, मैं अभी आपको सुनाऊंगी, वो ये कहते हैं कि किसी बच्ची का अगर को एजुकेशन में हाथ पकड़ा जाता है तो उसको मोलेस्ट्रेशन कहते हैं। 45 दिन इस बच्चे को वहाँ पर हरास करते रहे और ब्लैकमेल करते रहे कि अगर तूने अपने घर में किसी को बताया कि तेरे साथ यहाँ मारपीट हो रही है तो हम तेरा करेक्टर ऐसा बना देंगे कि तू कहीं आगे फ्यूचर में पढ़ ही नहीं पाएगा। बच्चे को 3 बार मारा है वहाँ पर। मैंने फिर भी बात को दबाया कि हमें कोई इशू नहीं चाहिए, हमें अपना बच्चा सही चाहिए। मैंने अपने नॉन को वहाँ पर भेजा कल कि आप बच्चे को चुपचाप से ले आओ। इन दोनों को कैबिन में बंद करके डायरेक्टर और 5 टीचर्स ने मिल के मारा, ऐसे हाथों में उंगलियां फंसा के ऐसे टच कर दी यहाँ पर बच्चे की, जिसकी रिकॉर्डिंग भी मेरे पास है, जिसमें वो एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हम तेरे ऊपर मोलेस्टेशन का केस डाल रहे हैं बट तूने मोलेस्टेशन किया नहीं है। एक लड़की एक दिन रो रही थी तो मैं उसको चुप कराने गया, तो प्रिंसिपल मैम आई, उन्होंने हमें मारा, उसके बाद अपने कैबिन में लेके गई, वहाँ पर भी हमें बहुत मारा, डंडों से भी मारने वाले थे लेकिन बच गए। उन्होंने हमें थप्पड़ मारती गई, मतलब बिना मतलब के थप्पड़ मारी थी, सुन नहीं रही थी कुछ भी, कोई एक्सप्लेनेशन ले नहीं रही थी, सिर्फ मार रही थी। उसके बाद हमें भेज दिया, फिर मेरे को दोबारा से बुला के बहुत मारा। फिर मेरे अंकल मेरे को लेने आए थे तो उनके साथ भी हम पूछ रहे थे कि आपने हमारे ऊपर एलिगेशन लगाए हैं मोलेस्टेशन के, तो आपने क्यों लगाए हैं। तब हम दोनों को मिलके मारा उन्होंने। थर्ड टाइम उनके एडमिनिस्ट्रेशन और डायरेक्टर, बच्चे ने इतना भी बोला था, उसको एलिगेशन कर रहे थे कि आप घर जाओ, लड़कियों को छेड़ो, आपका फ्यूचर बहुत ब्राइट होगा, तो बच्चे ने इतने बोला था माइंड योर लैंग्वेज। उसके बाद उन्होंने बच्चों को मारना चालू किया 5 बंदे मिलके। फिर मैंने जब बीच बचाव करने गया तो उल्टा मेरे को भी पीटा, बच्चों को भी पीटा। मैडम प्रिंसिपल आई, बोली यहाँ से जिंदा वापस नहीं जा सकते हो। फिर हम लोगों को गेट से बाहर किया, फिर हमने 112 नंबर पे पुलिस किया, फ़ोन कॉल किया, तो वहाँ से 2 घंटे बाद पुलिस आई। पहले पुलिस उनके अंदर गई जो है केबिन में, फिर मेरे को बुलाया, फिर वहाँ बात चलने लगी तो मैडम ने बोला कि मेरे को सुलह सपाटी नहीं करना है, आप रिटर्न आ जाओ। फिर हम चले आए, हमारा केस लिखने के पहले स्कूल वालों ने पुलिस को सर्टिफिकेट लिख के दे दिया था कि इनकी मदर या सिस्टर अब्यूज लैंग्वेज यूज कर रही है। मैं मीडिया के सामने कहती हूँ खुले हम, मुझे प्रूफ दे मेरे बेटे ने मोलेस्ट्रोल किया है, खुद से पुलिस केस मैं डालूंगी, फ्यूचर मैं खराब करूंगी मेरे बेटे का। अगर बेटी किसी और की है तो बेटी मेरी भी है, बट प्रूव इट। वो खुद से कह रहे हैं कि ऐसी कोई बात नहीं हुई, बट हम सिर्फ इसको एक ब्लैकमेल कर रहे थे। आप कहेंगे तो मैं रिकॉर्डिंग सुनाती हूँ जो कल ऑनलाइन हो रही थी, जिसमें बच्चा ये कह रहा था कि प्लीज एक मिनट, बच्चे ने गलती की या नहीं की वो सेकेंडरी थिंग है, किसी बच्चे को बोर्डिंग में छूना, कहाँ से परमिशन मिली है, किस गवर्नमेंट ने परमिशन देनी है मैं जानती हूँ, मुझे बताएं, मुझे राइट है, मुझे न्याय चाहिए उनसे। एक बारी बच्चा गलती करता है, एक थप्पड़ मार दिया, फिर भी एक तरफ रखता है कि चलो माँ है, दूसरी मार दिया होगा। 3-3 बारी पीटना, डंडों से 30 थप्पड़ मारना, और जो जाए साथ में उनको भी पीटना, तो ये बोर्डिंग नहीं है। और साथ में ये धमकी देना कि जिंदा जाने मत देना यहाँ से।